बीते दो दिन से बुंदेलखंड के निवाड़ी क्षेत्र में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा विधायक डॉक्टर शिषपाल सिंह यादव एक तरफ से बोलत नजर आ रहे थे। अभी पूरे मामला में भाजपा विधायक डॉक्टर शिषपाल यादव ने अपने सोशल अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करी है, जिसमें अहरवार समाज से खुले तौर पर माफी मांगी है। ये वीडियो पोस्ट में दिक्कत नजर आ रहा है कि जो पूरा करो कराओ कांग्रेस को एक षड्यंत्र है, उनने यशपाल से बात तो जरूर करी लेकिन उनको जो कितों इरादा नहीं हतो कि इसे कोनु समाज को आहत पहुंचे, लेकिन अगर फिर भी अहरवार समाज को उनके कोनु कथन से आहत पहुंची हो या ठेस लगी हो तो ई के लाने वे खुले मन से माफी मांग रहे हैं और समाज जो भी दंड देवो चाहे वो उन्हें स्वीकार है। सुनो वीडियो पोस्ट में काकछू बोले भाजपा विधायक डॉक्टर शिषपाल यादव। सभी क्षेत्रवासियों को सादर प्रणाम। साथियों, अभी दो तीन दिन से आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे कि षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के लोगों ने मेरा एक ऑडियो जारी किया है, जिस पर मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि मैंने अहरवार समाज के साथियों के ऊपर कोई टिप्पणी की है। ऐसा मेरा कतई कोई उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मेरी यशपाल से बातचीत चल रही थी और मैं यशपाल को ये बता रहा था कि भाई भैंस पालन यादव समाज का परंपरागत पेशा है, जिसके बारे में मुझे भी जानकारी है और भैंस कितने बजे लगती है, कितने बजे क्या भैंस की सेवा की जाती है। इतना ही मात्र उद्देश्य था, इसके अतिरिक्त मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और अगर इस बातचीत से मेरे किसी अहरवार भाई को कहीं ठेस पहुंची है तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगता हूं, और इसके अतिरिक्त भी अगर आप मुझे कोई दंड देना चाहें तो वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कांग्रेस के लोग जिस घृणित मानसिकता से काम कर रहे हैं वो पूर्णतः निंदनीय है, और उनको अहरवार समाज हो या मानव समाज का कोई भी समुदाय, वो उसके विकास की बात सोचना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की बात सोचना चाहिए, उनकी दैनिक समस्याओं को निपटाने की बात सोचना चाहिए। किसी प्रकार की भ्रामक बातें फैला करके जनता का कल्याण नहीं किया सकता है। कांग्रेस के लोग मेरे साफ सुथरे काम के तरीके से बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ भ्रामक बातें फैला रहे हैं और भ्रामक बातें फैला करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है, आग्रह है कि इस प्रकार की भ्रामक बातों में विश्वास ना करें, कांग्रेस की कार्यशैली को देखें। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की बराबरी वो नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये पूर्णतः निराधार है और ये तथ्यहीन है। अगर मुझसे और भी कोई बात होगी तो मैं ज़रूर उनसे सामने बात करना चाहूँगा, इस तरह की बातों से कोई अर्थ नहीं निकलता हूँ। सभी क्षेत्रवासियों से एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि भ्रामक बातों में ना आकर के सच्चाई को समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।